अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 426 का पेपर पैटर्न एंड पास पेपर सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 का, और ये बी एस एसोसिएट डिग्री एंड बी एस एंड बी एड के लिए है, और कोर्स का नेम है पाकिस्तानी अदब। टोटल टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है, टोटल मार्क्स 100 हैं, कामयाबी के नंबर बीए के लिए 40%, एडी बीएस बीएड के लिए 50% मार्क्स लेने लाजमी हैं, और एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, जबकि फर्स्ट क्वेश्चन जो उनसे है ये तो मस्ट है, ये आपने लाजमी करने हैं। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, उस लिहाज से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो 100 मार्क्स बनते हैं। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा ज़ैल सवालों के मुख्तसर जवाब दें। इनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला फाजिल का मजमूए कलाम किस नाम से शाया हुआ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बलोची में कुरान मजीद का तर्जमा किसने किया, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधी ज़बान की तश्कील का दौर कितनी सदियों तक फैला हुआ है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधी के हरूफ तहजी की कुल तादाद कितनी है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पश्तों के कदीम तरीन शायर का नाम लिखें, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, पश्तों के कितने लहजे हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, दरोड़ी कुंभे की 3 जबानों के नाम बताएं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राकृत की तरक्की याफ्ता शक्ल का क्या नाम है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, पंजाब को पुराने ज़माने में क्या कहा जाता था, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कश्मीरी शायरी में महमूद की वजह शोहरत क्या है, और इसका बे वाला जुज है, दर्जा ज़ैल अल्फाज तरकीब के मानी लिखें, ये आप देख सकते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बलोची अफसाने और ड्रामे के इर्तका पर मुफसिल नोट तहरीर कीजिए, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्जा ज़ैल शोरा पर नोट लिखें, इनमें मियाँ सैयद रसूल रसा, एंड सेकंड है फजलुल हक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कदीम पश्तो नज़म की तरीक के हवाले से तफसील से लिखें, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कल्होड़ा दौर में सिंधी अदब के इर्तका का जायज़ा पेश करें, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधी अदब का कौन सा दौर क्लासिकी अदब का दौर कहलाता है, तफसील से लिखें, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, सुल्तान बाहू और मियां मोहम्मद बख्श की शायरी के हवाले से एक मुफसिल मजमून लिखें, एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्जा ज़ैल मौजूआत पर जामिया नोट लिखें, इनमें फर्स्ट पॉइंट है पंजाबी नावल, सेकंड पॉइंट है पंजाबी ड्रामा। जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के साथ 426 का पेपर पैटर्न एंड पास्ट पेपर सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 शेयर किया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।